यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। अपोस्ट्रॉफी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और अब आप ये जानेंगे कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहां पर किया जाता है। अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमेशा संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। संबंध, जैसे मैं कहूं राम का पेन, पेन किसका है? राम का है, यानी पेन का संबंध किससे है? राम से है। तो जब हम कहते हैं राम का पेन, तो यहां पर मैं कहूंगा राम्स पेन, राम अपोस्ट्रॉफी एस पेन। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, द पेन ऑफ राम। लेकिन इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है, आइए इस फर्क को समझते हैं। आपके सामने दो सेंटेंस है, राम्स पेन, यहां पर राम को पेन से ज्यादा महत्व दिया गया है, और दूसरा सेंटेंस है द पेन ऑफ राम, यहां पर पेन को राम से ज्यादा महत्व दिया गया है। मैंने कहा राम का पेन, राम का पेन श्याम का नहीं, सीता का नहीं, गीता का नहीं। दूसरे सेंटेंस में देखिए सेंस थोड़ा अलग है, द पेन ऑफ राम, राम का पेन, राम का मोबाइल नहीं, राम का लैपटॉप नहीं, बल्कि राम का पेन। पहले सेंटेंस में राम को महत्व है, दूसरे सेंटेंस में पेन को महत्व है। इस बात को और बेहतर समझते हैं, अगला एक एग्जांपल लेते हैं। आई नीड राम्स लैपटॉप, नॉट एनीबॉडी एल्सेस, यानी मुझे राम का लैपटॉप चाहिए, मुझे राम का लैपटॉप चाहिए, किसी और का नहीं। यानी महत्व किस बात पे दिया गया? राम पे। दूसरे सेंटेंस में आई नीड द लैपटॉप ऑफ राम, मुझे लैपटॉप चाहिए राम का, महत्व तो लैपटॉप पे है, नथिंग एल्स बट लैपटॉप, यानी लैपटॉप चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए राम का, किताब नहीं चाहिए राम की, पेन नहीं चाहिए राम का, क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या फोकस है? राम फोकस है, मुझे राम का लैपटॉप चाहिए, सीता का नहीं चाहिए, गीता का नहीं चाहिए, अमन का नहीं चाहिए, अमित का नहीं चाहिए। तो बेसिकली जब आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो बनाने के फॉर्मेशन से उसके भाव स्पष्ट होते हैं, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और बेहतर समझते जाएंगे। आइए अपोस्ट्रॉफी एस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें, और ये भी समझें कि कभी कभी आप देखेंगे कि अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा है और कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगी है, क्या मतलब होता है? अगर कोई बहुवचन शब्द यानी प्लूरल वर्ड जिसके अंत में पहले से ही एस हो और उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत हो, तो अपोस्ट्रॉफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाते। थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, डोंट वरी, आप समझिए। देखिए आपके सामने दो वर्ड लिखे हैं, जीन्स ट्राउजर्स। क्या आप ये जानते हैं कि ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक जीन्स है, तो मैं कहूंगा वन जीन्स, मैं जीन्स ही बोलूंगा, एस लगाऊंगा लास्ट में, ये नहीं कि वन जीन, जीन नहीं बोलूंगा, जीन्स ही बोलूंगा। एक पैंट है आपके पास, वन ट्राउजर्स बोलेंगे आप, वन ट्राउजर नहीं बोलेंगे, यानी एस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ये शब्द होते हैं जो प्लूरल होते हैं अपने आप में, ये बात आप नाउन चैप्टर के वीडियो लेक्चर में भी समझेंगे। ऐसे वर्ड्स के बाद अगर आपको अपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत पड़ जाए तब क्या होगा? देखिए अगर मैं कहूं लड़की का, लड़की एक है इसलिए लड़की के लिए क्या कहेंगे? लड़की तो गर्ल हुई, लड़की का, गर्ल्स, गर्ल के बाद अपोस्ट्रॉफी और एस लगा दिया, लड़की का। अगर मैं कहूं लड़कियों के, अब यहां एक प्रॉब्लम है। अब देखिए लड़कियां एक से ज्यादा है इसलिए लड़कियों के लिए क्या लगाएंगे? तो लड़कियां एक से ज्यादा है तो गर्ल्स तो बोलेंगे ही, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है आपको के लिए। तो अपोस्ट्रॉफी एस जब लगाया तो देखिए क्या हो गया, गर्ल्स अपोस्ट्रॉफी एस, एस के बाद अपोस्ट्रॉफी फिर एस आ गया। तो होता क्या है, ऐसे केसेस में जो लास्ट का एस होता है उसको नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और ये अंडरस्टूड हो जाता है कि बोलने का मतलब है लड़कियों के। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देखिए, लड़कियों का, लड़की का पेन, गर्ल्स पेन, एक लड़की के पेन की बात हो रही है
और जब मैं कहता हूँ गर्ल्स पेन, जहां पर कि एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाता हूं, यानी कि यह लड़कियां एक से ज्यादा हैं, पेन भी ज्यादा है, लेकिन लड़कियों के पेन, लड़कियों के लिए अपोस्ट्रॉफी एस वाला एस हट गया, केवल अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाया। ये एक्चुअल ग्रामर है। आप कई बार न्यूज़पेपर्स जब पढ़ते हैं, आप नोट करेंगे कि जो प्लूरल वर्ड्स होगा उसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस में से एस को हटा दिया जाएगा, केवल अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे और उसका मीनिंग वही होगा जो अपोस्ट्रॉफी एस का मीनिंग होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, मेरे भाई का पेन, माय ब्रदर्स पेन, क्योंकि मेरा भाई एक है, यहां पर एक भाई की बात हो रही है, माय ब्रदर्स पेन। और दूसरे तरीके से जैसा आपने शुरुआत में समझा, द पेन ऑफ माय ब्रदर, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे भाइयों के पेन, यहां पर कितने भाई हैं, एक से ज्यादा। अब भाइयों, भाइयों को बोला तो ब्रदर्स, एक से ज्यादा है। अब इसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस कैसे लगाएं, तो अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाया, माय ब्रदर्स पेन्स। बोलने का तरीका बिल्कुल सेम, फर्क ये कि अपोस्ट्रॉफी के बाद वाला एस नहीं लगाया। और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, द पेन्स ऑफ माय ब्रदर्स।